अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आपको पता होगा हम कुछ दिन पहले गए थे गार्डन और वहाँ पे हम झूले से गिर गए थे तो मम्मी को सबसे ज्यादा चोट लग गई, वो भी पैर में। तो मम्मी ने उसका एक्सरे निकलवाया है और मम्मी को कई महीने से सीने में दर्द दे रहा है। तो मम्मी ने बार बार डॉक्टर को दिखाया पर मम्मी को कुछ आराम नहीं मिल रहा है। तो इस बार मम्मी ने पैर का और सीने का दोनों का एक्सरे निकलवाया। तो डॉक्टर ने रिपोर्ट देखी और बोला कि इस रिपोर्ट तो नॉर्मल है। तो डॉक्टर ने फिलहाल के लिए दवा दे दी और बोला कि आप इसे खाओ, अगर आराम नहीं मिलेगा तो आके दिखाना। और आज मम्मी की हालत कुछ ज्यादा ही खराब है और घर में बहुत सारा काम पड़ा हुआ है और कपड़े उतारे हुए इतने सारे जमा हो गए हैं। तो पापा और मैंने सोचा कि हम चलते हैं जाके कपड़ा धुलते हैं। तो पापा कपड़ा धुलोगे आज? तो पापा कई साल बाद कपड़ा धुलने जा रहे हैं। पहले जब पापा की शादी नहीं हुई थी तो पापा बताते हैं कि पापा कभी कभी अपने और जो मेरे दादा हैं उनके कपड़े धुलते थे। तो आज पापा और मैं जाएंगे कपड़ा धुलने। मैं थोड़ा साबुन मारूंगी और पापा ब्रश चलाएंगे। पापा का वैसे मैं साबुन लगा दूंगा, हाथ ब्रश नहीं चला पाऊंगा। ठीक है चलो, ठीक है ठीक है। और कपड़ा अपन लोग चलो धुलते हैं। गला बैठा हुआ। हाँ, हमारे घर में सब कुछ ना कुछ हुआ है और साथ में यहाँ पे अरबी पड़ रहा है। ये हमारा बाथरूम और यहाँ पे देखो सबसे पहले बहुत गंदा सा शीशा दिखेगा और यहाँ पे नीचे कपड़े रखे हुए पूरे डिस भर के, क्योंकि अरे पापा एक हफ्ते से कपड़े नहीं धुले गए। हाँ, 2000 जोड़ा कैसे होगा? और गाइस हमारे घर में है तो सिर्फ 4 लोग, तो यहाँ पे कपड़े इतने सारे, आप आश्चर्य मत करो। हाँ ये पता है क्या करता है, एक दिन कपड़ा पहनता है शाम को दूसरा पहन लेता है। ये बिल्ली भी कपड़ा धुलेगी। हाँ बिल्ली भी कपड़ा धुलेगी और मैं भी धुलूंगा। चलो चलो चलो, भी है। हाँ डबल बेडशीट वो भी। सबसे ज्यादा सादिम तेरे कपड़े देख। भी तेरा है, भी तेरा, सब तेरा ही है। सादिम को धुलने पड़ेंगे। चलो पहले पानी चालू करो। यहाँ पे पापा सर्फ डाल रहे हैं। मम्मी और पापा की शादी को 13 साल हो चुके हैं और मम्मी 13 साल से डेली बोल रही हैं कि मुझे वॉशिंग मशीन दिलाओ। ए, ये समझ रहा? मैं आज सारे राज बता दूंगी। हाँ, पर पापा मम्मी को वॉशिंग मशीन नहीं दिलाते हैं और हमारी मम्मी बड़े मुश्किल से अपने भी प्यारे प्यारे हाथों से कपड़े धुलती हैं। तो पता नहीं क्यों पापा ने ये जिद बांधी हुई है कि वॉशिंग मशीन वो नहीं दिलाएंगे। तो आप लोग कमेंट करके पापा को समझाओ कि वो हमारी मम्मी को वॉशिंग मशीन दिला दें। वॉशिंग मशीन से कपड़े अच्छे साफ नहीं होते, हाथ से धुलने से कपड़े अच्छे साफ होते हैं और सेहत भी अच्छी रहती है हाथों से धुलने से। हाथों से कपड़ा धुलना चाहिए। मशीन लग गया है, मशीन कहीं साफ करे कहीं नहीं साफ करे, फालतू खर्चा है सब। पापा जिसकी सेहत अच्छी नहीं है उसकी थोड़ी ना अच्छी होगी सेहत। हाँ तो मम्मी बीमार तो हमारा हूँ ना, तू है ना, हम लोग धुलेंगे तो हाथों से, ये धुलेगा ये बड़ा। ओहो हमारा ब्रश एकदम मेकअप करा हुआ, एकदम सुंदर सुंदर खूबसूरत। तो चलो तू ब्रश मारेगी कि साबुन लगाएगी? ब्रश मार। तू साबुन लगा, तू चल होएगा नहीं। तो जी पहले हम पापा का चड्डा धुलेंगे। वो पापा का नहीं, वो सच मेरा है। देख लो इनको साबुन लगाने नहीं आता। वाह आता है गाइस। चलो मैं लगाता हूं। ठीक है मैं लगा, तुम्हारी आप कपड़े। नहीं तू रहने भाई, प्लीज प्लीज एक ही कपड़े में सारा साबुन लगा। बस कर ऐसे नहीं देखते है, जाओ कैसे वही धुल लो यार। देख इसे करते हैं, अब पता चला ये सारी गंदगी वाली निकल आई। शादी माई का स्कूल का मजा देखो। मम्मी के लेके धुलना पड़ेगा। वाह भाई वाह, मम्मी का सामान मम्मी को खुद धुलना चाहिए। मम्मी की तबीयत खराब है। बोलते मम्मी तुम्हारी करती है, सब कुछ सेवा करती है ना। वरना मम्मी भी बोलते कि तुम अपना धुलो। मेरा करती है ना, मैं बीमार रहता हूँ तो मेरा कौन हेल्प करता है? मम्मी करती है ना। तू बीमार रहता है तो मम्मी देखो कौन है, वो केयर करती मम्मी। मेरी बीमारी में कौन काम आया? वही काम आई ना, तो उसके कौन काम आएगा? गाँव वाले मेरे को 10 साल का एक्सपीरियंस। हाँ चल चल, अभी 10 साल ना का हुए नहीं है, 10 साल का देखता हूँ तेरा 10 साल में। चल ए लेफ्टी, हाँ गाइस
सालिम जो है ना लेफ्टी है, देखो कैसे बरस मारे, एक ही जगह पे मत मारो, पूरे मारो अच्छे से। इसका ब्रश देख के मैं खुद को अच्छा समझ रही हूँ। अरे यार मेरा यार हाथ लगा यार कंधा पापा, इसीलिए तो देखो तुम पागल। पापा का भी ना ऑपरेशन के बाद से लेफ्ट हैंड जो है वो कम काम करता है, और हम दोनों भी बच्चे हैं और मम्मी की भी तबीयत खराब चल रही है, तो ये ब्रश मारने में हमें बहुत तकलीफ होती है, तो इसीलिए हम पापा को बोलने जा रहे हैं कि हमें वॉशिंग मशीन दिला दो। पानी तो पानी भरो, सर्फ डालो, कपड़ा डालो, फिर धुलेगा, फिर उसको निचोड़ो, निकालो, पता नहीं क्या क्या करना पड़ता। पापा जैसे अभी कपड़ा धुलने में हम लोग को 2 घंटा लग रहा है, वॉशिंग मशीन में आधे घंटे में हो जाएगा ना। क्या हुआ, कौन सा काम पे जाने का, मेरे को घर में बैठा तो हूँ अपने। पैसे भी हम लोग रोजा है, रोजे का महीना चल रहा है, रोजे में नमाज पढ़ना है, कपड़ा धुलो, खाना, ये सब क्या है। हमें भी ये सब काम करना पड़ेगा, तुम्हारा भी ऑपरेशन के बाद वैसे भी कम काम का, हाथ कम काम करता है। हाँ तो जब तक काम कर रहा है मैं कर रहा हूँ ना। तो पापा दिला दो, दिला, देखो गाइस पापा चिल्लाते हैं, हाँ चिल्लाते हैं, देखो खा दिया गाइस। अभी पापा मेरे स्कूल की जो चड्डी है, पैंट है, जो भी है, अबे हाफ पैंट है, वही हाफ पैंट को चड्डी बोलते हैं, हाफ पैंट है उसको धुल रहे मेरे पापा, और अभी इसको एकदम चमका देंगे पापा, अच्छा चमका भी देंगे। फ्रॉक धुलूंगा इसमें मम्मी कैटरीना कैफ लगती है, देखो मेरी जानू का फ्रॉक, कैटरीना कैफ वही हमारे सालिम भाई का स्कूल का यूनिफॉर्म है, इससे गंदगी देखो, सबसे गंदा यही होता है घर में, क्योंकि ये सादिन पता है स्कूल में जाकर कबड्डी खेलता, कबड्डी सबसे गंदा यही है। कॉलर देखो जरा, कबड्डी नहीं हम लोग रबड़ बैंड से पेपर बनाकर मारते हैं, ये साफ हो गया समझ लो, सब साफ है वो गुंडा, कॉलर नहीं फिरेगा, ये साफ हो गया, मतलब पावर प्रोफेशनल है, समझ लो सब साफ हो गया। अभी सबसे मेन जो है ये है चद्दर भाई, ये बाथरूम से बड़ी सबसे हार्ड काम यही है, ये धुल गया समझ लो, सब कुछ धुल गया, सब धुल गया, खाली ये बचा है। तो अभी सादिम जो है ना ये अभी चादर धुल रहा है, पूरा कपड़ा धुल चुका है, अभी चादर धुल रहा है। अबे इसे फैलाओ, घसमा धुल ज्यादा, कुछ नहीं आता इसको, कुछ नहीं आता। अब पापा यहाँ पे ब्रश मार रहे हैं और सादिम वहाँ पे साबुन लगा रहे हैं, भाई इससे हार्ड कुछ नहीं है। और अगर पता है कपड़े को देने में लॉन्ड्री में भी ना ये चादर का सिर्फ 200 रुपए देना पड़ेगा, 200 की चादर है, धुलाई को 200, वाह 400। तब मैं थक गया मार मार के, तब मारिया चादर में मारियो, मारे का हाल खराब हो चुकी है, इसके बाद सीख लो, सीख लो हाथ से धुलना, तुमको भी कपड़ा सीख लो, अब हमारे शादी भाई प्रेस मारेंगे, हट जाओ थोड़ा शादी भाई को, तो हाँ हाँ शादी भाई, अब बस इसके बाद में जाके नींद मारने वाले, वेरी गुड, ये हमारे उल्टे हाथ से चालू हो गए भाई साहब, ये क्या मारो ब्रस, वेरी गुड। सुना है कि लेफ्टी लोग बहुत कामयाब होते हैं, पता नहीं मास, ए तू दोनों हाथ से काम कर रहा है, मैं दोनों हाथ से कर सकता हूं, वेरी गुड। तो अभी साबुन ब्रश हम लोग ने बड़े मुश्किल से, बड़ी मेहनत करके मार लिया है, अभी हम लोग कपड़े को खंगालने जा रहे हैं, चलो यहां इस साइड को बोले शुरू करो, देखो कैसे खंगाल दियो, अरे हां उधर रखते हो, 4-5 से खंगाला जाता है, वहां मत रखो, अभी हुआ नहीं है ये, अच्छा ये फर्स्ट है, तो इसको यहाँ रखते जाओ, 4 पानी में खंगाला जाएगा, ठीक है, एक बार खंगाले गंदा समय निकल जाएगा, फिर 3 पानी में खंगालोगे तो कपड़ा सब साफ सुथरा पाक हो जाएगा, समझ गई, ऐसा है, तो इसलिए 4 पानी धुला जाता है। तो भी साबुन खंगाले, हाँ इसको भी आज शौक लगी कि मैं भी खंगालूंगा, खंगाल सही से कर, साफ कर, खाली मत दूंगा, सिखा दे इसको भी। तो अब मैं आखिरी पानी से कपड़े को खंगालने जा रही हूँ, मेरी तो हालत खराब हो गई, वो 3 खंगाल लू मैं, नहीं 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 अपना बाहुबली वाला साफ, सब पहले कपड़ा खंगाल, चादर खंगाला बाद में, हाँ चल खंगाल ले इसको, बस निचोड़ के, निचोड़ के ऐसा खंगाल के मत, निचोड़ के खंगाल, निचोड़ के वो करते जा, अभी क्या करूँ, मतलब रखते जा साइड में, उसके बाद में निचोड़े क्या, एक ही साथ काम कर, समझिए खंगाल उसको निचोड़ पानी को पूरा, क्योंकि अब खंगाला नहीं है ना, हाँ निचोड़ के कहीं पर रखते हैं, इस पर रखते हैं, यहाँ रखते हैं, यहाँ रखते हैं ना इसे, हाँ। तो अभी पापा एक साइड से पकड़े और हमारी एक साइड से पकड़ी है, हाँ। और इस चादर को अभी लोग निचोड़ेंगे, इसका सारा पानी निकालेंगे, पापा सिर्फ एक हाथ से करेंगे और हमारी 2 हाथ, ये
यहाँ पे हम कपड़ा सुखाते हैं और यहाँ पे बहुत जगह है, और यहाँ पे बिल्डिंग वालों ने पता है वॉशिंग मशीन की भी जगह दी है, और यहाँ पे पूरा नल है और वहाँ पे पूरा स्विच बोर्ड है, पर क्या करे वॉशिंग मशीन तो है ही नहीं। चल चल कपड़ा फैला फटाफट उठा सब। हाँ बात बहुत जल्दी करते हो। सब उठा और चल फैला वहाँ। तो सारा कपड़ा धुल चुका है, हमने खंगाल के फैला भी दिया, और अभी जोहर की नमाज का टाइम हो चुका है, तो पापा और मैं जाएंगे नमाज पढ़ने। तो आप लोग मेरी मम्मी के लिए दुआ करो ताकि वो जल्दी से अच्छी हो जाए, और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो ताकि मेरा YouTube चैनल मोनेटाइज हो जाए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी करो ताकि वो लोग भी मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो इस वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करो। थैंक यू, बाय।